इज ग्रीन पुलाव और इसके लिए मैंने यहाँ पे बासमती राइस लिया है, 2 कप बासमती राइस, उसको मैंने कुकर में सीटी मार लिया है, एक ही सीटी मारा है और 3 कप पानी लिया है। तो यहाँ पे हम तो सारे ग्रीन वेजिटेबल से ही पुलाव बनाएंगे आप अगर, और एकदम हेल्दी बनाएंगे। अगर आप और भी हेल्दी बनाना चाहते हो तो ब्राउन राइस भी डाल सकते हो, मेरे पास यहाँ पे नहीं इसलिए मैंने बासमती राइस लिया है, तो ब्राउन राइस से पुलाव हमारा एकदम हेल्दी बनेगा। तो इसके लिए हमें चाहिए 3 टेबलस्पून यहाँ पे ऑयल डालेंगे हम, इसमें हम यहाँ पे मैंने थोड़ा जीरा 1 टीस्पून जितना जीरा डालेंगे, 1 यहाँ पे इलायची लिया है, तेज पत्ता 1 लिया है मैंने, वो ऐसे तोड़ के डालेंगे, और लवंग लिया है मैंने 2-3 पीस, और तेज पत्ता, और यहाँ पे दालचीनी लिया है मैंने, 2 टुकड़े दालचीनी के लिए है अभी, ये हो चुका है, थोड़ा सा हींग डालेंगे। अभी हम पहले ग्रीन ऑनियन डालेंगे, सॉरी ऑनियन डालेंगे, मैंने जूलियन कट में ही सबको काटा है, जैसे हम पुलाव में नॉर्मली डालते हैं वैसे। 2 मिनट ऑनियन को होने देंगे, और यही स्टेज पे हम थोड़ी सी किशमिश डालेंगे पुलाव में, मैंने 5-7 दाने किशमिश के लिए है। ऑनियन हो जाए इसके बाद कैप्सिकम डालेंगे, कैप्सिकम को भी मैंने जूलियंस में कट किया है, बहुत नहीं होने देने हमें, हर एक वेजिटेबल्स को हमें बारीक कुक करना है। दो मिनट के बाद मैंने यहाँ पे पोटैटो को भी काट के रखा है जूलियंस में, अगर आप पोटैटो नहीं डालना चाहते तो ये टोटली ऑप्शनल है। हम पोटैटो भी डाल देते हैं तो सब वेजिटेबल साथ में ही कुक हो जाएंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, अभी 2 मिनट पोटैटो को भी सब वेजिटेबल्स को सड़ने देते, 2-3 मिनट तक। यहाँ मैंने 1 कप पालक लिया है, उसको मैंने ब्लांच करने के लिए रख दिया है, सो हम यह इसको 10 मिनट ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, फिर इसका पल्प बना लेंगे। तो पुलाव में डालने के लिए हम यहाँ पे मैं प्योरी बना रही हूँ, तो यहाँ पे पालक को जो हमने ब्लांच किया है वो लिया है, और यहाँ पे जो मैंने चटनी बनाई है कोरिएंडर और पुदीना की, तो मैंने 2 टेबलस्पून वो चटनी डाली है, और ये हरी मिर्च डाली है 1-2, और 2-3 कली लहसुन डाला है, और अदरक का छोटा पीस डाला है। तो हम इसको पीस लेते हैं पुलाव में डालने के लिए। तो वेजिटेबल्स हमारे कुक हो चुके हैं, अभी जो हमने अभी पेस्ट बनाई थी वो पेस्ट डालेंगे। जो हमने पालक और चटनी और सब डाल के जो पेस्ट बनाई थी वो डाल देते हैं। और इसको 2 मिनट होने देते हैं, जब तक जब ऑयल रिलीज होगा तब तक हमें करना है। हमारी ग्रेवी हो चुकी है अंदर, मिक्स हो गई है बराबर। अभी मैंने यहाँ पे थोड़े ग्रीन पीस है उसको उबाल लिए थे, तो
तो वो थोड़े डालेंगे। और चिक पीस भी मैंने भिगो के रखे, सोक करके रखा था, और उसको फुल लाइट रखना है सोक करके, और फिर उसको 6-7 सीटी मार लिया था तो अच्छे से हो गए हैं। ये मैं 4 पर्सन के लिए बना रही हूँ, तो मैंने इसके हिसाब से सब इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। फिर इसको बराबर मिक्स कर लेती हूँ। अभी हम यहाँ पे मैंने बिरयानी का जो मसाला था वो लिया है, और गरम मसाला लिया है थोड़ा। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मसाला सब घुल गया है। अभी इसमें पनीर जो मैंने छोटे पीस लिए थे तो वो पनीर के पीस करके रखे मैंने, वो भी डाल देते हैं। और यहाँ पे थोड़ा ऑलिव ऑयल डालेंगे, 1 टेबलस्पून जितना। पनीर मैंने लास्ट में इसलिए डाला है कि अंदर टूट ना जाए सब हिलन, इसलिए अभी हम ध्यान से इसको हिला के रख लेंगे। अगर आप ब्राउन राइस लेते हो, तो ये पुलाव एकदम ही हेल्दी बन जाएगा। तो रेडी है हमारा पुलाव, उसको सर्विंग प्लेट में ले लेते हैं। तो मैंने सर्विंग प्लेट में पुलाव को ले लिया है। अभी हम इसके ऊपर मैंने यहाँ पे ग्रीन ऑनियंस की जो पत्ती आती है ग्रीन, वो उससे हम तो उससे गार्निश करेंगे, और थोड़े धनिया के धनिया को भी चॉप कर लिया उससे गार्निश करेंगे। तो रेडी है हमारा चिक पीस ग्रीन पुलाव। चिक पीस ग्रीन पुलाव जरूर बनाना और मुझे कमेंट करना, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करना। विश यू ऑल हैप्पी दिवाली और हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।